नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति का अगला बिंदु परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा और उसकी विशेषताओं में उदाहरण द्वारा परिमेय संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या व भिन्न, इनके द्वारा हम कई गणितीय क्रियाओं को हल कर सकते हैं। जब हम भिन्न संख्याओं को लिखते हैं तो मान लीजिए 4/5 है, ये एक भिन्न संख्या है और ये किसी संख्या का एक हिस्सा है उसको प्रदर्शित करती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास संख्या है वो भिन्न के रूप में भी आती है और उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। मान लीजिए एक समुद्र है, एक समुद्र तल है, उससे ऊपर एक पहाड़ी है, इसकी हाइट है वो लगभग 700 मीटर है और एक पास में यहाँ स्थान है, उसकी जो है गहराई है, इस समुद्र तल से गहराई है ये 450 मीटर है, ये 450 मीटर है। अब इसको जब हम किलोमीटर में प्रदर्शित करेंगे तो -450/1000 किलोमीटर, ये हमारे पास जो संख्या आ रही है इसको हम भिन्न संख्या में नहीं ले सकते, इसको हम भिन्न संख्या में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आ रही है। तो इसके लिए जो हम शब्द काम में लेते हैं वो है हमारा परिमेय संख्या। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी। एक संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं हो 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा क्यू है जो क्यू आएगा यानी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी क्यू बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक का भाग देने पर जो लघुतम रूप प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। जिसमें जैसे मान लीजिए ये संख्या है, इसमें ये भी एक पूर्णांक संख्या और ये भी एक पूर्णांक संख्या, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ये जो परिमेय संख्या होती है इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक व भिन्न सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं इन पूर्णांक संख्याओं के कुछ प्रकार भी होते हैं, उनको हम विस्तार से जानते। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कहलाती है, जैसे 9/13, ये एक भिन्न है, इसकी तुल्य भिन्न मान लेते हैं 18/26। ये जो दोनों परिमेय संख्या है 9/13 और 18/26, ये तुल्य भिन्न कहलाई, क्योंकि अब इसको जब हम हल करते हैं 18/26 को तो 18 में भाग देंगे अपन 2 का और 26 में भाग देंगे अपन 2 का, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 9/13 आएगी, जो इसके बराबर है, यानी जो संख्याएं एक दूसरे के बराबर है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएगी और इनका जो मान है वो हमेशा बराबर आता है, समतुल्य परिमेय संख्याओं का मान हमेशा बराबर आएगा। परिमेय संख्याओं का अगला प्रकार है धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें अंश व हर दोनों धनात्मक
वे धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने वाली एक बात है, ये जो शून्य है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। शून्य न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। परिमेय संख्याओं का अगला प्रकार है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें अंश या दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर दोनों में से एक ऋणात्मक हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे -3/4, 4/-7 या 19/-13 आदि। यानी दोनों में से अंश या हर दोनों में से एक ऋणात्मक होना जरूरी है तो वो संख्या कहलाती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की पहचान के लिए एक विशेष बात और होती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव पसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। यानी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होगा या अनावसानी आवर्ती होगा। जैसे 1/4, जब इस 1/4 को हम भाग दे के हल करेंगे तो इसका भागफल आएगा 0.25। यानी जब हम इसको हल करते हैं, 4 का भाग देते हैं 1 में, तो इस प्रकार जाएगा 4 का भाग 2 बार गया 8, -2 फिर 0 लगाया और 5। ये जो शेष फल आ रहा है यानी ये जो इसका हल है वो शांत हो गया है। इस कंडीशन में शेष फल जब 0 आ जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। इसी प्रकार मान लीजिए 1/3, 1/3, 3 का 1 में भाग देंगे तो ये आएगा हमारे 0.333। इसमें क्या हो रहा है, ये शांत तो नहीं हो रहा है लेकिन जो अंक आ रहा है हमारे पास वो बार बार आवर्ती हो रही, इस अंक की हम बार बार आवर्ती हो रही, तो ये क्या कहलाएगा? अनुसानी आवर्ती। यानी कोई निश्चित अंक होंगे उनके बार बार आवर्ती आती जाएगी। तो ये भी एक परिमेय संख्याओं की विशेषता है कि जब उनका दशमलव प्रसार करेंगे तो उनका दशमलव प्रसार हो या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।